नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोलिमैक्स टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, कोलिमैक्स टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और कोलिमैक्स टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि कोलिमैक्स टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में कोलिमैक्स टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। कोलिमैक्स टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। कोलिमैक्स टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन डाइसाइक्लोमिन 20 mg और पेरासिटामोल 500 mg होता है। कोलिमैक्स टैबलेट का उपयोग पेट में दर्द और पेट में ऐंठन होने पर किया जाता है। कोलिमैक्स टैबलेट पेट के दर्द और पेट की ऐंठन को ठीक करती है। कोलिमैक्स टैबलेट के अंदर पेरासिटामोल भी होता है, इसलिए कोलिमैक्स टैबलेट बुखार को भी कम करती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोलिमैक्स टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में कोलिमैक्स टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में कोलिमैक्स टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आने का मन होना, मुंह में सूखापन, नींद अधिक आना, धुंधला दिखाई देना, घबराहट और शरीर में कमजोरी होना आदि साइड इफेक्ट्स कोलिमैक्स टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोलिमैक्स टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर कोलिमैक्स टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। कोलिमैक्स टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। कोलिमैक्स टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको कोलिमैक्स टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना कोलिमैक्स टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोलिमैक्स टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में कोलिमैक्स टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। आंखों में ग्लूकोमा होने पर, पेट की आंतों में रुकावट होने पर और मायस्थेनिया ग्रेविस होने पर कोलिमैक्स टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना कोलिमैक्स टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किडनी की कोई समस्या है तो इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि लीवर और किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में कोलिमैक्स टैबलेट की खुराक घटानी पड़ सकती है। 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को कोलिमैक्स टैबलेट को देना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को कोलिमैक्स टैबलेट को देने से सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को डाइसाइक्लोमिन या पेरासिटामोल टैबलेट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को कोलिमैक्स टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं कोलिमैक्स टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। वैसे कोलिमैक्स टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर कोलिमैक्स टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं जब कोलिमैक्स टैबलेट का देना बहुत ही जरूरी हो, और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए कोलिमैक्स टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कोलिमैक्स टैबलेट माँ के दूध के जरिए बच्चे तक पहुँच सकती है और दूध पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोलिमैक्स टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका कोलिमैक्स टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।